नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने छोटे से होम में। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार और अभी बज रहा है दोपहर का 12 बज गए हैं और मुझे बनाना है खाना। और अभी बच्चे नहीं आए हैं और बच्चे का टाइम है अभी 2 बजे आएंगे, तो जब तक मैं अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी मैं, आज शनिवार है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खास रेसिपीज, जो कि मैं लौकी का खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। हमारे बिहार में शनिवार के दिन खिचड़ी ज़रूर खाया जाता है। कहते हैं कि ग्रह गोचर जो होते हैं वो करते हैं, तो इसलिए लोग शनिवार के शनिवार ज़रूर खिचड़ी बनाते हैं और खाते हैं। तो हमारे बच्चे ना सिंपल सा खिचड़ी खाना नहीं पसंद करते हैं, जो कि दाल डाल दिया जाता है और खिचड़ी बना देती हूँ ना, तो वैसे नहीं खाएंगे मेरे बच्चे। तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट तरीका से, कुछ न्यू तरीका देने वाली हूँ खिचड़ी का, जो कि न्यू तरीका से बनाऊँगी अच्छे से, तो और भी अच्छे टेस्ट बढ़ जाएगा उसका, जो कि बच्चे और हस्बैंड बहुत खाएँगे। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ खिचड़ी आज के दिन, तो वही आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि हमारे बच्चे भी खूब खाएंगे और हस्बैंड जी भी खाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ और उसके साथ चटनी और पापड़ बनाएंगे। और आज क्या क्या डालते हैं आप बने रहोगे तभी पता चलेगा कि मैं लौकी का खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। खिचड़ी को धोकर अच्छे से चढ़ा दिया है और ये खोल जाए तो इसके बाद मैं इसमें सारी चीजें डालेंगे। और डालने के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर देखिए मैंने काट लिया है यहाँ पर लौकी, आपको दिख रहा होगा ये लौकी है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट रखा है। और ये है टमाटर जो कि मैंने काट रखा है। और यहाँ पर 2 प्याज मैंने लिए हैं जो कि छौंक लगाने के लिए रखे हुए हैं। और इस थाली में मैंने धनिया काट लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मटर, और ये छौंक लगाने के लिए थोड़े से अदरक और लहसुन मैंने छील रखा है। बस सभी चीजें तैयारी करके मैंने रख ली हूँ। तो हमारा चावल खौल गया है और इसमें मैंने सारी चीज़ों को कटी हुई डाल दी हूँ, लौकी टमाटर प्याज। और इसमें ना मसाले मैंने 2 ही चीज़ ऐड किया है, एक धनिया पाउडर और एक हल्दी पाउडर। तो दोनों को मैं इस तरह से चला लूँगी, हो गया है। और बस उसे गलने देते हैं। और यहाँ पर गल गया था थोड़ा थोड़ा, जब बाकी था ना उसके बाद मैंने कढ़ाई इधर चढ़ा दिया है, आपको दिखाएंगे। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैं जीरा, तेज़पत्ता, प्याज, हींग, इस लहसुन, अदरक, ये सारे कटा हुआ मैंने अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए हमारा गल गया है खिचड़ी, और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है खिचड़ी। अभी थोड़ा सा और इसको सुखाएंगे हल्का, बस देख लेना, धनिया डाल दिए हैं। और इसके बाद ये देखिए मेरा भून गया है यहाँ पर प्याज, और ये ना छौंक लगाने के लिए मैं भून रही हूँ। तो चलिए उतार देती हैं, हो गया हमारा खिचड़ी। और ये कढ़ाई में जो है छौंक लगा देते हैं इसका, जो कि बहुत 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 टेस्टी लगता है ऐसे छौंक लगाएंगे तो। खिचड़ी जब भी बनाएं तो ऐसे छौंक लगाएं। तो देखिए हमारा तैयार है खिचड़ी गर्मा गर्म। तो चलिए परोसते हैं, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से,
तो मैं परोस देती हूँ खिचड़ी गरम गरम, क्योंकि खिचड़ी गरम गरम ही अच्छा लगता है, और पापड़ और चटनी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बना था। और चप्पल जूता देखिए कैसे कैसे आते हैं ना घर, तो इधर से उधर खोल के रख देते ही हैं। तो सभी को ठीक जगह की हूँ, और ये देखिए तैयार है हमारा खिचड़ी गर्मा गर्म और चटनी पापड़। तो अभी दोनों बच्चे ही हैं, अभी हस्बैंड जी अभी नहीं आए हैं घर पर, तो दोनों बच्चों को दे देते हैं खाना। तो चटनी पापड़ खिचड़ी, बस इतना ही। तो आज की वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आज की खिचड़ी कैसा लगा हमारा? तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब